गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास सिक्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट में डिविजिबिलिटी रूल करेंगे 11 का। तो 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं किसी नंबर पे, तो इसको हम करेंगे। क्वेश्चन है 3271587। चेक करना है कि ये नंबर 11 पे डिविजिबल है या नहीं यूजिंग डिविजिबिलिटी। तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए रूल है सम ऑफ, हमने करना है सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट्स। जो ओड प्लेस डिजिट्स है उनका सम करना है। ओड प्लेस कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 4। सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट जो ओड प्लेस पे हैं तो उनका प्लस करना है। 3 + 7 + 5 + 7, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22। आगे करेंगे सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, अब इवन प्लेस वाले कौन कौन से हैं, जो सेकेंड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है, सिक्स्थ नंबर पे है, तो ये इवन प्लेस है तो इनका सम करेंगे। 2 + 1 + 8, 2 और 1 3, 3 और 8 11। अब क्या करना है, डिफरेंस करना है दोनों का। डिफरेंस में से 22 में से 11 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर 11 है। अब चेक करते हैं जो डिफरेंस आया है वो 11 पे डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 इज डिविजिबल बाय 11। सो जो नंबर है वो भी डिविजिबल होगा 11 पे, 3271587 इज डिविजिबल बाय 11। तो आप चेक कर सकते हो इसको 11 से डिविजिबल है या नहीं, चेक करके देख सकते हो। तो 11 पे डिविजिबल होगा क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल में चेक कर लिया कि है 11 पे डिविजिबल है। अब एक नंबर और लेंगे जिसको चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है या 11 पे या नहीं। तो मैंने नंबर लिख दिया 4 7 3 0 2 2 5। इसमें भी वैसे डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट ओड प्लेस कौन कौन से हैं, 4, 3, 2 और 5। फोर और थ्री 7 और 2 9 और 5 14। अब करेंगे सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, अब इवन वाले कौन से हैं, 7, 0 और 2। अब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस दोनों का जो प्लस है उनको डिफरेंस उनका माइनस करके निकालेंगे। डिफरेंस 5 आता है तो यहाँ लिखेंगे 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो 4 7 3 0 2 2 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो इस तरह हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट का डिफरेंस जो है वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11, 22, 33 इस तरह का डिफरेंस आना चाहिए तो नंबर डेफिनेटली डिविजिबल होगा 11 पे। तो इस वीडियो में हम यही करेंगे 11 की डिविजिबिलिटी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
ओके, थैंक यू वेरी मच।